वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो ये सप्तमी के दिन का वीडियो है। तो एकदम मॉर्निंग का समय है, आज 4 बजे ही उठे थे, डेली 5 बजे उठते हैं क्योंकि आज जो है पूरा बनता है और सबको 6:30 बजे तक जाना था, तो सोचा कि बना देंगे समय से, तभी सब लोग लंच लेके जा पाएंगे। किसी की भी छुट्टी नहीं, अब कोई भी त्यौहार पंचमी हो सप्तमी हो नहीं रहती है। तो उठ के सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू लगा लिए थे, झाड़ू लगा के पोछा लगा लिए और पोछा लगा के नहाने के बाद तब जाके जो है बनाना शुरू करते हैं। डेली तो बिना नहाए ही लंच बना के दे देते हैं, उसके बाद नहाते हैं, लेकिन आज जो है पूजा का दिन था तो बस ये हो गया था, झाड़ू पोछा कर लेते हैं। और हम लोगों के यहाँ क्या नियम है कि सप्तमी के दिन जो है पूरे गांव में जो है सप्तमी की जब पूजा चढ़ जाती है तब खाना बनता है, लेकिन सिर्फ मेरे घर खाना बन जाता है। उसके बाद तो हम लोगों के यहाँ जहाँ गाय भैंस बांधी जाती है वहाँ पर भी पूजा चढ़ता है, कई सारी आज पूजाएँ चढ़ती हैं, तो बस उसके बाद ही खाना खाया जाता है। तो मैंने सोचा था कि बना के दे देंगे लंच में, और लंच जो होता है 10-11 बजे के बाद ही बच्चे हस्बैंड कोई भी खाता है, तो 10 बजे तक सारी पूजाएँ चढ़ जाती हैं। तो बस ये सारे काम मैंने जो है कर लिए थे, करके जो है अपना जो भी डेली का रूटीन था वो भी कर लिया था। जल्दी जल्दी आज काम कर रहे थे क्योंकि हमें दाल वाली पूड़ी सब्जी और खीर बनानी थी, तो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। और हम लोग क्या किसी भी त्यौहार में जो है शुभ अवसर पर जो है दाल वाली पूड़ी ज़रूर बनती है, तो बस वही बनाना था। तो उसके लिए मैंने जो है अपना फ्रेश होके उसके बाद नहा धो के फिर ये काम करना था। तो बस यही सब है, हम जो औरतें होती हैं हमारा काम जो डेली का डेली है ये कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बस सुबह उठ जाओ, और 12 बजे के पहले हम सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चे भी जगते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो बस इधर जो है नहा के आ गए थे, बस अभी देखिए 6 बज रहा है, पूड़िया छान देंगे ताकि उनको टिफिन दे देंगे, वो लोग 6:30 तक चले जाएंगे। तो बस चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में, क्योंकि अभी जो है तुरंत पूजा करेंगे और पूजा करके तुरंत आ रहे हैं, तो ये पूरी छान देने दोनों लोगों को लेट हो जाएगा। तो हस्बैंड ने कर लिया था पूजा, वो पूजा कर लेते हैं। तो बस उसके बाद जो है सुबह ही उठ के 6 बजे तक नहा कर लेते हैं। उसके बाद हम नहा लिए थे लेकिन वो कर रहे थे तो हम नहीं आए थे। उसके बाद हम आए थे तो पूजा कर लिए थे, पूजा करके जो है उसके बाद हम जल्दी जल्दी पूजा किए थे क्योंकि लंच बनाना था, तो जल्दी झटझट से करके और फिर चले गए थे। तो बस ये हो गया था, और पूजा पाठ सुबह सुबह हो जाता है तो ये लगता है कि काम ख़त्म हो गया। अगर सुबह सुबह नहा लीजिए तो लगता है कि सारा काम ही ख़त्म हो गया है। तो फिर चलिए देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। हमने जो है खीर रख दिया था, खीर बनने में टाइम लगता है और खीर ही बनती है आज। बाद हमने जो है सादी आटा जो है गूंथ के रख दिया था क्योंकि बेटा जो है दाल वाली पूड़ी नहीं खाता, तो उसके लिए मैंने सादी पूड़ी बना के उसको जो है लंच में जो है देने के लिए छान दिया था पहले ही, क्योंकि वो एकदम सबसे पहले 6:30 बजे वही जाता है, उसके बाद हस्बैंड जाते हैं। तो बस ये मैंने दाल जो है बॉयल कर लिया था, हल्दी डाल के थोड़ा सा 3-4 सीटी लगा के चने की दाल का ये पूड़ी बनता है, बॉयल कर लिया था अच्छे से, उसके बाद उसका पानी निकाल दिया था। आप चाहें तो दाल के पानी को तड़का लगा के खाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। फिर इसमें मैंने हरी मिर्ची 4-5 और 5-6 लहसुन की कलियां छील करके इसको अच्छे से पीस लिया था, फिर भून करके जीरा डाल दिया था, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया था, डाल के इसको जो है अच्छे से मिक्स करके मैंने आटा पहले ही मुलायम गूंथ लिया था और भर भर के इसको जो है छान लिया था। तो ये कचौड़ी की तरह ये पूड़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और खाने में तो इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि बच्चों को तो मेरे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप चाहे तो इसको भर भर के तवे पर भी एकदम अच्छे से पराठों की तरह बना के भी बना सकते हैं, उस तरह भी अच्छा लगता है। डीप फ्राई भी किसी भी तरह से पूड़ियाँ बना दीजिए तो अच्छा लगता है। तो बस मैंने जो है पूड़ियाँ भी बना ली थी, इधर हस्बैंड चले गए थे और बच्चे भी लगभग चले गए थे, बस बेटी को जाना था तो उसी के लिए मैं पूड़ी तल रही थी, और अपने लिए भी साथ ही साथ तल के रख दूंगी क्योंकि अभी जो है 8 बज रहे थे तो 10 बजे के बाद ही खाएंगे, तो उसका भी टिफिन भर के रख देंगे। तो सबको लगभग टिफिन दे दिया था, हस्बैंड को पूड़ी खीर सब्जी दे दी थी, बेटे को सिर्फ सादी वाली पूड़ी और सब्जी दी थी, तो उसका भी लंच होता है 10:30 के बाद ही, तो वो भी खा लेगा। तो यही है सुबह सुबह उठ के जो है ये भी रहता है कि सब को त्यौहार है तो खाना चाहिए, और नहीं बना के दो तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस त्यौहार के दिन ये सब होता है, तो बस ये सब मैंने जो है बना के कर लिया था। देखिए कितनी फूली पूड़ी और पूड़ियाँ बनी थी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यमी बनी थी। और इधर जो है मौसम जो है इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा हो रहा है, तो कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रहा है हल्का हल्का सा, लेकिन मौसम ठंडा रहने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है जब मौसम थोड़ा सा सुहाना रहता है। तो बस ये लग गई थी हम लोगों की थाली, मेरी और मेरी बेटी की, पूड़ी और खीर और सब्जी, तो बस ये हो गया था। और देखिए ये
तो बस इधर खीर बन भी रही थी और जिसको खाना था उसको दे दिया था। फिर जो है सब लोग लगभग सब चले गए थे, बस हम ही थे। तो हमने भी 10:30 हो गया था, नाश्ता कर लिए थे। तो बस इधर जो है अभी थोड़ी सी धूप निकली थी, मैंने सोचा चलो कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि थोड़ी भी धूप निकलती है तो कपड़े धुल के डाल दो, नहीं तो कपड़े सूख नहीं रहे। कपड़े इधर धुल रहे थे तो आज चादर भी गंदा हो गया था, और इस बरसात में जो 2-3 दिन में ही अजीब तरह का चादर हो जा रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन इसको जो है चेंज कर देते हैं। तो बस चादर आज जो भी होता है सुबह का, यानी जो भी काम होता है क्लीनिंग का, वो धीरे धीरे करके अगर 5-5 मिनट का टाइम हम दें तो हमारा कार्य काफ़ी काम आसान भी हो जाता है, हमारा घर घर भी एकदम फ्रेश और जो है एकदम साफ सुथरा रहता है। तो सुबह सुबह जब सब लोग चले जाते हैं नाश्ता बना लेने के बाद, हम जो है सबसे पहले अपना जो है बेडरूम सही कर लेते हैं, बच्चों का जो है बेडरूम और उनका मेज जो है पढ़ने लिखने वाला वो सही कर देते हैं। उसके बाद ही जो है किचन का जो भी क्लीनिंग का काम होता है, बर्तन आ धुलना, किचन साफ करना, ये सब भी कर लेते हैं। तो बस इधर जो है चादर हम जो है चादर को लगा दिए थे। चादर लगा देने के बाद जो ओढ़ने वाला चादर था, इसमें मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो पंखा सिर्फ चलता है, तो पंखा चलने से ही ठंडा लगता है। तो हल्का हल्का सा जो अंटी था उसको भी हमने फोड़ डोल करके सारी चीज़ों को अपनी जगह पे जो है रख दिए थे। तो बस नहा धो के मेरी सारी पूजा पाठ सब कुछ मतलब हो गया था। तो आज लगभग एकदम ज़्यादा सुबह उठने से जितनी जल्दी उठो उतनी जल्दी काम हो जाता है, तो लगभग 10:30 तक मेरा काम जो है हो गया था। तो बस इधर जो है आटा पिसा के रात ही में आया था तो उसको रख नहीं पाए थे, तो बस ये सब काम क्लीनिंग का कर लेने के बाद जो है आ गए थे कि आटा डब्बे में भर के रख दें, नहीं तो चूहे इतने ज़्यादा हैं कि कट कर देते हैं, और डब्बे में रख दो तो सही हो जाता है। तो 15 से 20 दिन तक आटा चल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 15 से 16 किलो पिसवाते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, पीती होता है। और गेहूँ हम लोगों के गाँव से आता है, धो के हम वहीं पर रख दिए थे, और जब ज़रूरत लगती है तो थोड़ा थोड़ा आधा बोरा एक बोरा ही आता है डेली, मतलब ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि यहाँ भी रखने की कहीं जगह नहीं है, तो बस कम कम करके ही थोड़ा थोड़ा लाते हैं। तो ये हो गया था, फिर बर्तन धुल लिए थे, किचन इधर साफ कर दिए थे, बर्तन धुल लिए थे, तो लगभग अब मेरा सारा काम जो है क्लीनिंग का ख़त्म हो गया था। तो 11 बज गए थे और ये सब काम करने में। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बस यही सब है, तो बस ये सारे काम मेरे लगभग जो है ख़त्म हो गए थे। और इधर जो है बेटे के लिए मैंने सेवई बना दिया था क्योंकि वो खीर नहीं खाता है, तो सेवई बना रहे हैं, खीर बनाए थे तो वो खीर जो है नहीं खाता है, नहीं पसंद है उसको। और देखिए सुबह 4 बजे के उठे थे और अभी 12 बज गए हैं, तो अभी सिर्फ बहुत ज़्यादा काम नहीं किए हैं, बस जो मेन जरूरी था आटा आया था पिसा के गेहूँ का उसको रखे हैं, बर्तन वर्तन धुल के किचन उचन साफ कर लिए हैं, और अभी बेटी को खाना दे के आ रहे हैं। 12 बज गया है, सिर्फ यही सब करते हैं, थोड़ा भी बैठने का टाइम नहीं, आराम नहीं, त्यौहार के दिन तो और भी हो जाता है। और क्या होता है हम लोग क्या सप्तमी की पूजा गांव पे जो चढ़ती है उसमें जगन्नाथ आज चढ़ता है, साथ में जहाँ गाय भैंस से बंधी रहती हैं वहाँ पर भी पूजा चढ़ता है। तो जो वो पूजा उसको भारी बोलते हैं, जब वो पूजा चढ़ जाता है तो हम लोग क्या खाना खाया जाता है पूरे गाँव में। तो क्या होता है कि उस पूजा को यानी गाय भैंस से जहाँ बांधी जाती है घारी वाली पूजा के बाद ही खाना बनता है, लेकिन हमारे घर पे खाना बन जाता है लेकिन खाते तब हैं जब पूजा चढ़ जाता है। तो फोन किए थे तो पापा फोन करके 10 बजे बताए हैं कि पूजा चढ़ गया है। तो बस जो है हस्बैंड को भी टिफिन बना के 6:30 बजे दे दिए थे, बेटी को भी दे दिए थे, बेटे सबको दे दिए थे, सब लोग लेके चले जाएंगे क्योंकि सबके लंच तो 10:30 बजे के बाद ही होता है, हम जानते थे क्योंकि हर साल रहते हैं। तो ये पहली बार है जब वहाँ हम गाँव पर सप्तमी की पूजा में नहीं हैं, तो 10 बजे के बाद ही चढ़ होता है तो दे दिए हैं। तो सब लोग अब लगभग 11 बजे अपना खाना खा लेंगे और बस सब लोग ब्रेड चाय खा के गए हैं। तो बस यही सब है, तो बस यही सब करते करते निकल गया है तो आज का। तो फिर आप लोगों को सावन की सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके, और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगता है और ज़रूर से मेरे वीडियो को वॉच करें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, थैंक यू।